Good morning students, today we will start our new chapter, lesson number 2, Constitutional Design. The democratic system has certain rules which the people as well as the government have to follow. All these rules combined together are called the constitution. Begin to the highest law of the country, the constitutional defined and determines the people's right, the powers and the प्रोड्यूस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. हम अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ कानून के कुछ नियम और कानून होते हैं, कुछ लीगल्स पॉइंट होते हैं, और ये जो लीगल्स यानी कि कानूनी कायदे होते हैं वो आपके पीपल्स के लिए भी होते हैं और रूलर के लिए भी होते हैं, दोनों पर ही अप्लाई होते हैं. इस जो ये नियम है इसमें कानून के कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें किसी भी देश के पूरे सिस्टम को, जो पूरे सिस्टम को चलाता है वो होते हैं, उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कैसे हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, उसका जो डिजाइन किया गया है, उसके मूल्यों पर विचार करने के पूर्व उसकी रचना की पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाएगा कि उसका डिजाइन कैसे हुआ. लेकिन हम भारतीय संविधान के संबंध में विशेष जानकारी, पूर्व मूल्यों पर आधारित एक देश की संविधान की रचना की जानकारी प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसने विश्व के समक्ष एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है. इस संदर्भ में हम एक साउथ अफ्रीका ने अपने देश के लिए किस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका स्ट्रक्चर बनाया, और उसके ये हमें हमारे लिए बहुत जानना आवश्यक है. तो हम इसमें पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, अगर हम बात करें 26 अप्रैल 1994 में, जब साउथ अफ्रीका में अगर हम उसके हिस्ट्री की बात करें तो वो एक ऐसा गोल्डन डे माना जाता है जिसमें इस डे में नेल्सन मंडेला ने जो आपका साउथ अफ्रीका है उसमें पहले जो वाइट डोमिनेशन थे उनके लिए उन्होंने एक प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो ग्रहण किया था. इसी के साथ जो साउथ अफ्रीका में लगभग कहते हैं कि 350 वर्ष पुराने जो श्वेत लोगों के साथ भेदभावपूर्ण या रंग भेद नीति का जो शासन था उस युग का उसमें एंड हो गया, अंत हो गया. भारत के संदर्भ में जो कथन प्रचलित भी है वह दक्षिणी अफ्रीका के संबंध में भी बिल्कुल राइट निकला. जैसे ये कथन थे कि वो लोग व्यापारी बनकर, ट्रेडर्स बनकर आए और देश पर अपना शासन चलाने लगे. 17th और 18th सेंचुरी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की जो कंपनियां थी वो व्यापारी बनकर आए, ट्रेडर्स बनकर आए, और अवसर पाकर उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका में, जैसे भारत में किया था वैसे दक्षिणी अफ्रीका में लोगों पर शासन चलाना शुरू कर दिया. दक्षिणी अफ्रीका के जो बहुसंकल्प यानी कि जो अश्वेत लोग थे, जो गोरे लोग नहीं थे, ब्लैक लोग थे, उनके साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाने लगा. नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका के जो शासकों की थी रंगभेद नीति का उन्होंने हमेशा विरोध किया. और इसके आगे के बारे में हम किस प्रकार उन्होंने इसका विरोध किया, इतने स्ट्रगल्स की साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम कल एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे.